आज हमारा लैलूंगा का सफर है, मेरे साथ भैया है पीछे, मैं भी हूँ इधर, हेलो, और इधर एक और भैया है। दो भैया के साथ आज सफर होगा लैलूंगा का। पहली बार मैं उधर जाऊंगा, इससे पहले मैं कभी लैलूंगा तरफ गया नहीं हूँ। रायगढ़ के थोड़े आउटर में आ चुके हैं और शायद पाली घाटी जाएंगे ना भैया हम लोग। पाली घाटी होते हुए जाना, पाली घाट होते हुए जाना है, तो आगे एक घाटी पड़ेगा, तो उसका नजारा देखेंगे, दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। हम लोग सोचो तो लैलूंगा तक स्कूटी से गए थे, वहाँ नम्रता की क्या करने, वो इसके मेरा साड़ू का वो है ना, वो घर, अच्छा वो जो बाहर, अच्छा उधर ही का है वो, तो इसी रास्ते से गए? नहीं नहीं, उधर वाले से, घरघोड़ा वाला, घरघोड़ा ही है ना वो शायद, एक और रास्ता साई मंदिर से आगे जो जाता है। इधर पूरा बांसी बांस है, कैसे पूरा बांस का खेत है, लेकिन ये लगाए हैं लग रहा है, वन विभाग लगाया प्लांटेशन वाला है, खतरनाक है लेकिन पूरे तरफ पे सही है ना। क्या बांस है भाई, लेकिन पूरा प्लांटेशन वाला है ये। चलो आप लोगों को एक सीन दिखाता हूँ। तो ये है पाली घाट से एक शानदार सीन। तो भैया का बेल्ट टूट गया है और मेरे भाई का जूता टूट गया है। तो मैं नज़ारा दिखाया अभी, और आगे जो डाउन जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा डाउन दिख रहा है मेरे को तो यहाँ से। उतार कैसे आगे, एक और चढ़ाव था। अच्छा ये तो मेरे को लास्ट ए कसम कुछ नहीं था वैसे तो अच्छा खाता होगा दिख रहा था, तो नहीं तो वैसा नहीं बनाएगा ना भाई। ढलान आ गया यार, एक और था यार, दो चढ़ान होगा, होगा एक और होगा ना, दूसरा पहाड़ और होगा। अभी तो एक ही तो चढ़ा है ना। हाँ ये तो उतारू आ गया। अच्छा आते समय ये वाला, ये अच्छा इसी भी बोल रहा था मैं, आते समय लगता है चढ़ाओ, आते समय एक ही तो है, अब ढलाने छेदा।